दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे नुपुर शर्मा के मुद्दे से। जिस तरह से कुछ ही दिन पहले देखा गया कि नुपुर शर्मा को लेकर, उनके बयान को लेकर, उनका वो विवादित बयान जो पूरे देश में हलचल पैदा कर गया, और जहां मामला शांत होने की बात हुई वहीं से फिर से मामले बढ़ने की उम्मीदें सामने आई। राजस्थान में भी एक ऐसा हादसा देखा गया जो नुपुर शर्मा से रिलेट कर रहा है। नुपुर शर्मा फंसती चली जा रही है, लगातार उनका मामला बढ़ता चला जा रहा है। हर किसी ने देखा किस तरह का प्रोटेस्ट नुपुर शर्मा को लेकर देखा गया, किस तरह से नुपुर शर्मा की जान को लेकर धमकियां सामने आई, किस तरह बड़ी बड़ी धमकियां हों या नुपुर शर्मा को लेकर सजाएं हों, लगातार पूरी तरीके से एक समुदाय उनके ऊपर भड़का हुआ था कि नुपुर शर्मा को सजा मिले। पैगंबर मोहम्मद को लेकर जिस तरह का बयान नुपुर शर्मा ने दिया उससे आज भी हर कोई भड़का हुआ है। हालांकि नुपुर शर्मा माफी मांग चुकी हैं, बीजेपी ने उन्हें अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया गया है, और अब देखने को मिला कि जो भी चीज देश में जो भी घटना घट रही है उसको लेकर नुपुर शर्मा पर निशाना साधा गया है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को इतनी फटकार लगाई है, नुपुर शर्मा को लेकर इतनी बातें बोली, और नुपुर शर्मा के साथ दिल्ली पुलिस पर भी फटकार लगाई कि नुपुर शर्मा के सिर्फ उस बयान से आज देश का ये हाल हो रहा है। मतलब अगर हादसा भी कहीं हुआ है, उस हादसे को अंजाम देने वाले को नहीं बल्कि उसकी शुरुआत कहां से हुई उस पर पहले उसकी फटकार लगाई जा रही है। इन्हीं मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे कि नुपुर शर्मा पे आज जो भी फटकार लग रही है क्या वो सही है। नुपुर शर्मा से टीवी पर आके माफी मांगने की बात कही जा रही है, क्या माफी मांगने से चीजें सही हो जाएंगी? हालांकि माफी वो पहले भी मांग चुकी हैं, क्यों चीजें सही नहीं हुई? चलिए इन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया प्रज्ञा। खबर आप भी सुन रहे हैं, नुपुर शर्मा को लेकर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। आपने पहले की भी खबरें सुनी जहां नुपुर शर्मा ने बयान दिया और बयान के बाद क्या क्या चीजें हुई थी, मामला शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन उसके बाद अब जो देखने को मिला राजस्थान में हुआ या कहीं भी देश में इस तरह के हादसे हो रहे हैं उनमें जांच पड़ताल करने की कोशिश की जा रही है, पर कहीं ना कहीं राजस्थान का एक ऐसा मामला जिससे नुपुर शर्मा को रिलेट किया गया। बात उस मामले की नहीं करेंगे, हालांकि हम कई दिनों से उस मामले की बात कर रहे हैं, पर नुपुर शर्मा को जो रिलेट किया गया है और आज उस हादसे के ऊपर नुपुर शर्मा पे सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा दी है, उस चैनल पे फटकार लगाई जिस चैनल ने जो है नुपुर शर्मा जिस चैनल पर बोल रही है उस तरह का बयान दे रही है, डिबेट में पुलिस से फटकार लगा रहे हैं, पैर दर्ज की, क्यों आगे एक्शन नहीं लिया, कि ये सब चीजें हो रही हैं। नुपुर शर्मा कितनी सही यहाँ लग रही हैं या कितनी गलत लग रही हैं, या वो हादसे में नुपुर शर्मा का ही बड़ा हाथ था, उनके बयान का हाथ था और किसी की गलती नहीं थी, उस पर आप क्या कहना चाहती है? जो बिल्कुल देखिए, साक्षी कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो नहीं कहा जा सकता कि इस पूरे हादसे के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है, क्योंकि देखिए इससे पहले भी कई नेता बयान दे चुके हैं, हालांकि इतना बवाल आज तक देखने को नहीं मिला किसी नेता के बयान को लेकर, किसी प्रवक्ता के बयान को लेकर, और अगर बात करें तो किसी पार्टी की ओर से भी बयान को लेकर किसी प्रवक्ता पर ऐसा एक्शन भी देखने को नहीं मिला। साक्षी देखिए, जिस तरीके से तुरंत निलंबित कर दिया गया था, जो कुछ भी वहां पर हुआ, राजस्थान की जो घटना है साक्षी, वो वाकई बहुत ज्यादा शर्मनाक है, उसके लिए कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें थोड़ी गलत है, अगर राजस्थान में ऐसा कुछ हुआ है तो उसके लिए दोषी नुपुर शर्मा को ठहराना साफ तौर पर साक्षी गलत होगा, क्योंकि देखिए मानसिकता है एक ऐसी कि अगर आप कुछ बोलेंगे या फिर किसी का समर्थन करेंगे, यहाँ पर नुपुर शर्मा के समर्थन में वो हादसा हुआ है, वो घटना हुई है, ना कि नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। जिन लोगों ने वो किया तो उन्हें इस चीज से दिक्कत नहीं थी कि नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया, उन्हें इस बात से दिक्कत थी कि आखिरकार नुपुर शर्मा का समर्थन करने की हिम्मत कैसे हो गई, क्योंकि लगातार जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, धमकियां आ रही है, जहां नुपुर शर्मा को धमकियां आ रही है, नवीन जिंदल दिल्ली छोड़ करके कहीं छिप चुके हैं क्योंकि उन्हें जान का खतरा था। बात करें नुपुर शर्मा की तो इस वक्त नुपुर शर्मा का भी कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ है। देखिए जिस तरीके से मुंबई पुलिस, दिल्ली पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, उन पर केस दर्ज था उस बीच, तो आपको भी बता दूं साक्षी, जो दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई गई है वो दिल्ली पुलिस को इसलिए फटकार लगाई गई है क्योंकि नुपुर शर्मा को 22 मई को पेश होना था, माफ कीजिएगा 22 जून को पेश होना था मुंबई कोर्ट में, लेकिन वो वहां पर नहीं पहुंची और कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस इसमें असफल रही उन्हें पकड़ने में, उन्हें वहां उनकी तलाश करने में, तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई है, ना कि इसलिए कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई उस बयान को लेकर। तो पहला तो आपका ये सवाल, और दूसरा क्या उस घटना के लिए नुपुर शर्मा जिम्मेदार है? देखिए इस घटना के लिए साक्षी नुपुर शर्मा नहीं बल्कि वो सोच जिम्मेदार है जो कि
हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे से अलग कर रही है कि ये अलग है वो अलग है, उसने हमारे भगवान को लेकर कहा या इस तरीके की सोच, ये गलत है साक्षी, जाहिर सी बात है। तो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा को जिम्मेदार ठहराने से बेहतर होगा उस सोच को खत्म करने की कोशिश की जाए। साक्षी जी बिल्कुल, उस सोच को खत्म करने की कोशिश की जाए, लेकिन उस बीच मामला जो है वो इस तरह का ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि मामला प्रज्ञा हादसे तक पहुंच गया है। पहले ये चीजें सामने आ रही थी कि नुपुर शर्मा को लेकर, उनकी जान को लेकर ये चीजें हो रही हैं। तो यहाँ सवाल में, अगर हम सोच के बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल में ये भी जानना चाहूंगी कि जो समर्थन कर रहा है, आपने खुद बात कही, जिससे समर्थन किया उसके साथ आज क्या हुआ है कोई जानता है जी। तो क्या समर्थन करना गलत होगा? देखिए, हर किसी के अपने अपने व्यूज हैं, हर किसी का अपने अपना समर्थन है, किसी को किसी की बात ठीक लगती, किसी को किसी बात ठीक नहीं लगती। पर अगर देश में ऐसा कुछ घटित हुआ है कि उनकी बात को अगर कोई समर्थन कर रहा है, तो उसके साथ जाकर या उसके साथ कुछ हादसा ऐसा घटाया जाए, तो वो भी गलती उसकी है कि उसने समर्थन जिसका किया। साक्षी, अगर इस तरीके से नुपुर शर्मा को अगर दोषी ठहराया जा रहा है, तो फिर तो उस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दोषी ठहराना चाहिए ना, क्योंकि जो धमकी दी गई है वीडियो में, उन दो शख्सों ने जो आरोपी हैं, उन्होंने केवल नुपुर शर्मा का नाम नहीं लिया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया है ना। तो अगर नुपुर शर्मा दोषी है, तो फिर उस हिसाब से हम देखें, फिर तो प्रधानमंत्री भी दोषी है। तो क्या फिर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को लेकर फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी फटकार लगाएगी, क्योंकि वीडियो में उन आरोपियों ने सिर्फ नुपुर शर्मा की बात नहीं किया, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के भी बोला है। तो कहीं ना कहीं, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि गलती इसमें नुपुर शर्मा की नहीं है, गलती मुस्लिम समुदाय के लोगों की भी नहीं है, गलती है उस सोच की जो इस चीज को बढ़ावा दे रही है, इस तरह की हिंसा को बढ़ावा दे रही है। तो वही चीज देखिए, ये जो चीजें हो रही हैं, बिल्कुल ये बात तो है कि हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम लिया गया, तो उनको क्यों नहीं कहा गया? अगर आप नुपुर शर्मा कह रहे हैं कि आपकी वजह से ये चीजें हुई, तो उसमें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लिया, तो आप तो उन्हें भी कह सकते हैं, उनको क्यों नहीं कह रहे, तो वो भी चीजें बीच में आ सकती है। तो ये जो चीजें हो रही है, बात यही है कि अभी खुद सुप्रीम कोर्ट जो फैसला ले रहे हैं, कई ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर उन्होंने ये फैसला लिया, हालांकि कई उन्हें चीजें और देखनी चाहिए, उस मामले को लेकर बड़े फैसले लेने चाहिए, क्योंकि अगर चाहे माफी मांगने से अगर ये चीजें नहीं कम होती हैं, अगर ये चीजें और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि देश का क्या हाल होगा। देखिए, बहुत छानबीन उनको लेकर हो रही है, लेकिन चलिए, ये तो हमने बात की नुपुर शर्मा के समर्थन और उनको लेकर, जहां सुप्रीम कोर्ट नुपुर शर्मा को लेकर फटकार लगा रही है, बड़ी बातें बोल रही है, लेकिन आगे जैसे बीजेपी ने एक बड़ा फैसला लिया था, नुपुर शर्मा को अपनी पार्टी से निलंबित कर दिया गया था, उसके बाद उन्होंने भी माफी मांगी, अब तो वो कुछ नहीं बोल रही है, अब किस तरह का फैसला उनको लेकर होना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए साक्षी, अगर उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है, केस नहीं, उनको पेश होना था अपना बयान देने के लिए कि आखिरकार क्या वो परिस्थितियां थी टीवी डिबेट के दौरान, क्यों इस तरीके का बयान दिया गया। तो देखिए साक्षी, कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा ने, चाहे वो अपनी जान को लेकर घबराई हुई है, इस वजह से छिप गई है, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई बयान को लेकर नहीं होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए इस बात को लेकर कि जब उन्हें बुलाया गया था मुंबई पुलिस, तो आखिरकार वो क्यों नहीं पहुंचे, तो कार्रवाई इस चीज को लेकर होनी चाहिए। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए टीवी पर आकर, तो मुझे ऐसा लगता है कि नुपुर शर्मा माफी मांगे या ना मांगे, बेहतर होगा कि वो टीवी पर आकर जनता को चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं साक्षी गलतफहमी है, और गलतफहमी के चलते ही इस तरह की हिंसा बढ़ रही है, तो एक जस्टिफिकेशन तो शायद देना ही चाहिए नुपुर शर्मा। देखिए, माफी तो पहले भी नुपुर शर्मा मांग चुकी है, लेकिन इस वक्त जिस तरह से वो जिस तरह का फैसला ले रहे हैं, कहीं ना कहीं और भी लोगों को इस चीज की ठेस पहुंचेगी, क्योंकि उनके समर्थक भी बहुत है प्रज्ञा, तो उनको भी इस चीज से ठेस पहुंचेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ एक तरफा ही आरोप लगा रही है। चलिए, इन मुद्दों पर आज हमने चर्चा की है, नुपुर शर्मा को लेकर आज हमने बातचीत की, कई ऐसे मुद्दे आज जिन्हें हमने जानने की कोशिश की, क्या सही है क्या गलत है, पर आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट मंथ।